Good evening, everyone. First of all, a very happy Independence Day to all of you watching. I'm Samir, you're watching Commerce Kiwani. It's been a month since I posted my last video, and what we were doing in that video or that part is a live workshop part of the chapter ratio analysis relating to CS Executive new syllabus particularly. Okay, so we are back on track again to upload further videos to help you guys out. इन द लास्ट वीडियो जो हम रेशियो एनालिसिस का कर रहे थे लाइव वर्कशॉप ऑन भारतीय एयरटेल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई ट्राइड माई बेस्ट टू कंपाइल ऑल द थिंग्स टुगेदर टू हेल्प यू गाइज टू बूस्ट योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑन द एंटायर चैप्टर सो दैट इट विल गेट बेनिफिशियल फॉर यू गाइज टू क्रैक ऑल द एमसीक्यू क्वेश्चंस रिलेटिंग टू दैट चैप्टर ओनली ओके सो हम रेशियो एनालिसिस कर रहे थे और लाइव वर्कशॉप का जो पार्ट था उसमें हमने पीएल अकाउंट को लेके पूरा पीएल स्टेटमेंट जो होता है उसको लेके पूरा एनालिसिस किए थे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ एंड दिस पार्ट दिस पर्टिकुलर वीडियो इज अबाउट द बैलेंस शीट पार्ट हम वही सेगमेंट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस का ही क्लास चल रहा है दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द लाइव वर्कशॉप ऑन द भारतीय एयरटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम लास्ट क्लास से कंटिन्यू कर रहे थे सो इन दिस क्लास हम लोग बैलेंस शीट को लेकर पूरा डिस्कशन करेंगे बैलेंस शीट के फाइनेंशियल टर्म्स को समझेंगे फॉर्मूलाज को इंटरप्रेट करेंगे एंड स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फ्रॉम माई साइड ये जो भी रेशियोज का कैलकुलेशंस होंगे या जो भी हम लोग कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे दिस इज नॉट फॉर strictly not for the investment purposes I'm not here to guide you in your investments this is for our educational purposes only aap log utna tak hi simit rakhein utna tak hi limited rakhein sare concepts ko ha ye sare concepts ko aap further use kar sakte hain we are here to understand the concepts okay so isiliye humne ek practical approach ko side mein rakha ki agar financial statement live humko koi de कोई लिस्टेड कंपनी हो कोई बड़ा कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे सामने आए तो हाउ वी आर गोना कैलकुलेट ऑल द रेशियोज जो हम बुक्स में पढ़ते थे वो प्रैक्टिकली कैसे करेंगे वही चीज़ को लेके वही कंसेप्ट को लेके हमने ये दो क्लास का एक सेगमेंट रखा था जिसमें पीएल स्टेटमेंट हो चुका बैलेंस शीट आज करेंगे ओके सो बिफोर जस्ट मूविंग एट आई लाइक टू सिंसियरली थैंक ऑल माई सब्सक्राइबर्स एंड येट आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू रिसीव फर्दर अपडेट्स एंड यस गाइस डू शेयर योर फीडबैक्स जो कि लास्ट जैसे लाइव वर्कशॉप का पार्ट था आई हैव ट्राइड समथिंग न्यू जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो आपको कैसे लग रहे हैं वो वीडियोस या वो एक्चुअली आपको हेल्प कर पा रहे हैं कि नहीं दीज आर द फीडबैक्स आई नीड टू नो टू फर्दर इम्प्रूव माई वीडियो लेक्चर्स जो आपके लिए मैं जो भी टाइम निकाल के मेहनत करके जो भी करके कर रहा हूँ सो आई नीड टू नो कि वेदर दीज वीडियोज़ आर गेटिंग बेनिफिशियल फॉर यू गाइज आर नॉट सो डू शेयर योर फीडबैक्स ऑन द कमेंट सेक्शंस एंड येस यू कैन ऑलवेज फाइंड माई चैनल ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं यू कैन शेयर योर फीडबैक्स देयर ऑल्सो एंड आस्क योर क्वेरीज टू सो बिफोर जस्ट वेस्टिंग मच ऑफ आर टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास सो वी आर स्टार्टिंग टूडेज क्लास जो बैलेंस शीट को लेके हम बात करेंगे ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट था जिसमें हम लोग पूरा यहाँ तक का कैलकुलेशन या कंसेप्ट को हम समझने का पूरा कोशिश किए थे सारा डिटेल डिस्कशन यहाँ तक हो चुका था ओके अब हम आगे चलेंगे ये पी एल स्टेटमेंट था और अब आते हैं कंसोलीडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 ओके तो कुछ बातें हमको ध्यान रखना है पहले क्या है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है प्लस डेट हमको ध्यान रहे 31 मार्च 2020 मतलब 1920 का है ये बैलेंस शीट दिया हुआ है ओके बैलेंस शीट में फर्स्ट इज एसेट दिया हुआ है यहाँ पे नॉन करेंट एसेट जो कि लॉन्ग टर्म और फिक्स्ड एसेट्स नेट ऑफ डेप्रिसिएशन करके दिया हुआ है यहाँ पे ये सारे एसेट्स हैं ओके आगे चलते हैं करेंट एसेट्स दिया हुआ है यहाँ पे ये टोटल मिला के हमारा करंट एसेट्स है ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है आगे चलते हैं अब इसमें ये जो साथ में ही समझते हुए चलते हैं जो जो इन्फॉर्मेशन हमको ज़रूरत पड़ेगा रेशियो एनालिसिस में उसको हमको पहला इसको सीखना है इन्वेंट्रीज ओके जो ये पार्ट दिया हुआ है दिस इज नथिंग बट योर स्टॉक ठीक है बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स दिए हुए हैं एक एक करके ओके सर कोई प्रॉब्लम नहीं है करंट एसेट्स दिए हुए सॉरी वो सारे दिए हुए हैं बैलेंस शीट का टोटल आ गया
और ये सारे फिगर्स जो हैं वो मिलियंस में हैं। ओके सर, आगे चलते हैं। टोटल एसेट साइड आ गया, लाइबिलिटी में आ जाते हैं। बोला कि शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी। सर हमने शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस पढ़ा था, अदर इक्विटी कैसे आई है? अदर इक्विटी के अंदर रिजर्व सरप्लस सब कुछ ऐड किया हुआ है। ओके सर, आगे चलते हैं। इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू ओनर्स ऑफ द पेरेंट, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, दिस इज नथिंग बट योर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो हम कंसोलिडेशन चैप्टर में पढ़े हैं। ओके, तो सारा कैलकुलेशन करके दिया हुआ है, ठीक है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज, यहाँ पे ये जो नॉन करेंट लाइबिलिटी है ना बेटा, ये दिस इज नथिंग बट योर डेप्ट, जो हम डेप्ट इक्विटी रेशियो में पढ़ते हैं वही चीज़ है ये। ओके, अब अगर शेयर शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी को ऐड करोगे तो जितना आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड। ओके, आगे चलते हैं। याद आ रहा है, इसी रीजन से हमने स्टार्ट जब किया था रेशियो एनालिसिस का क्लास, तब मैंने इंस्टेड ऑफ गोइंग डीपर इनटू द कॉन्सेप्ट्स, पहले हम टर्म्स को सीखे थे कि पीएल में या बैलेंस शीट में क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं इन द चैप्टर रेशियो एनालिसिस। तो ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद चलते हैं, करंट लाइबिलिटीज का टोटल दिया हुआ है, ठीक है सर। अब टोटल लाइबिलिटीज आ गया, ऑब्वियसली दोनों टैली करेगा, ठीक है। अब हमारा टास्क क्या है? ये जो बैलेंस शीट हमको दिया, नोट्स टू अकाउंट वगैरह अभी तक हमने कुछ नहीं देखा, ये जो बैलेंस शीट दिया, बैलेंस शीट से अगर हमको कुछ मेन रेशियोज कैलकुलेट करने बोले जो हम चैप्टर में सीख रहे हैं, करंट रेशियोज हो गया, क्विक रेशियोज हो गया, डेप्ट इक्विटी रेशियोज हो गया, एटसेट्रा, वो सारे अगर हमको यहाँ से कैलकुलेट करने बोले तो हम कैसे अप्लाई करेंगे वो सारे रेशियोज को प्रैक्टिकली? वही चीज को इलेस्ट्रेट करने के लिए लाइव वर्कशॉप का पार्ट मैंने किया है, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज को यहाँ पे इंटरप्रेट करने का कोशिश करेंगे। ओके सर, चलते हैं। पहले हमने सीखा था करंट रेशियो, फॉर्मूला क्या था? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, सर इजी। अब करंट एसेट आपके सामने है कौन सा है? ये टोटल मिला के, ठीक है। ये अगर टोटल मिला के करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज भी आपके सामने है, ये जो टोटल है आपका, ये करंट लाइबिलिटीज है। ओके, दोनों को ऐड किया, मतलब दोनों को डिवाइड किया, तो आया मेरा कितना? 0.58, और अगर एक्चुअली आ रहा है 5829, मैंने उसको नेट ऑफ किया है। ओके सर, ये हमारा करंट रेशियो है। हमारा जो बेंचमार्क होता था करंट रेशियो में वो क्या था? 2:1 का। मैंने बार बार आपको इस जो वीडियो है, वीडियो का स्टार्टिंग में ही मैंने ये प्रॉम्प्ट किया, दिस इज़ अ स्टैचुटरी डिक्लेरेशन फ्रॉम माई साइड, दिस इज नॉट फॉर एनी इन्वेस्टमेंट पर्पजेज और प्रोमोटिंग एनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। हम लोग बस जो बुक्स में पढ़े उसी को इंटरप्रिट करने का कोशिश कर रहे हैं। ओके सर, आगे चलते हैं। करंट रेशियो के साथ हमने क्विक रेशियो भी पढ़ा था। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या था? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। नाउ बच्चों रिमाइंड करें, क्विक एसेट्स में क्या क्या आता था? करंट एसेट से हम स्टॉक हटाते थे, हम प्रीपेड एक्सपेंस हटाते थे, ठीक है, तो हमारा क्विक एसेट्स आ जाता था। जो ये जो करंट एसेट हमारे पास है, ये करंट एसेट्स में स्टॉक है, ये हटेगा। क्या हमको प्रीपेड एक्सपेंस दिख रहा है पूरा जितना दिया हुआ है जो भी? क्या हमको ये क्विक एसेट्स, सॉरी प्रीपेड एक्सपेंस दिख रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ फर्दर इंफॉर्मेशन हम तो यही सोच के चलेंगे कि प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ पे है नहीं। सो अगर हम बात करेंगे करंट एसेट्स, क्विक एसेट्स का, तो क्विक एसेट कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पे कैलकुलेशन करके मैंने बता भी दिया है, 1569 इज योर स्टॉक बॉट गया, तो दिस इज योर क्विक एसेट्स। करंट लाइबिलिटीज एज इट इज रहेगा, तो क्विक एसेट्स का अगर हम देखेंगे 0.5817 है, कंपैरिजन में इजी होता है, इसलिए मैंने इसको राउंड अप नहीं किया। ये जो फ्रैक्शन पार्ट निकला था मना हमारा करंट रेशियो का, और दिस इज द क्विक रेशियो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट। और क्विक रेशियो का बैलेंस बेंचमार्क जो था, बेंचमार्क रेशियो वो कितना था? 1:1। अगेन ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है। जनरल जो बेटर वाला पोजिशन होता है एक कंपनी का, जब करंट रेशियो आप देखते हो 2:1 शुड बी द आइडियल रेशियो, लेकिन यहाँ पे अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो बहुत कम है। 1:1 इज द आइडियल क्विक रेशियो, यहाँ पे भी ये सर कम है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। कैश रेशियो,
अब कैश रेशियो में हम क्या बोले थे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज को ऐड करके डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटी के साथ। इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको एब्सोल्यूट लिक्विडिटी क्या है वो मुझे पता चलता है। तो अगर आप कैश रेशियो को देखेंगे, कैश बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी, हमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि पूरा करंट एसेट्स में कौन कौन सा कैश है, कौन कौन सा मार्केटेबल सिक्योरिटीज है और कौन कौन सा कैश इक्विवेलेंट है। ठीक है, हमारे पास है इन्वेस्टमेंट, हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट करेंट में दिखा रहा है, तो दीज आर मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी डेरिवेटिव सेगमेंट्स के ही पार्ट है। ओके, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं यहाँ पे, और उसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ट्रेड रिसीवेबल तो हम लोग लेते नहीं है ना कैश रेशियो में, हमको तो कैश कैश इक्विवेलेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज चाहिए। ठीक है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो जाएगा, अदर बैंक बैलेंसेस हो जाएंगे। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ फर्दर इंफॉर्मेशन कि ये अदर्स में मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये चारों आइटम्स जो आ रहे हैं चारों को ऐड करेंगे तो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकल जाएगा। ठीक है, ओके। तो सर आगे चलते हैं, वही हमने किया यहाँ पे, और करंट लाइबिलिटी से डिवाइड करते हैं तो कैश रेशियो हमारा आ रहा है 0.2277। ओके, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट डेप्ट इक्विटी रेशियो। हमने इसका क्या फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डेप्ट अपॉन इक्विटी। ठीक, अब ये इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड, और डेप्ट का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेप्ट का मतलब क्या, नॉन करंट लाइबिलिटीज जो हैं, ये जो मेरा पार्ट है ये है नॉन करंट लाइबिलिटीज। फॉरगेट अबाउट द कंस्टिट्यूएंट्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है तो वो डेप्ट है ही। तो ये टोटल अगर आप डेप्ट देखोगे तो टोटल डेप्ट इज एक सेकेंड 12,71,619 बिलियन, सॉरी मिलियन। ओके, तो आगे चलते हैं हम, दिस इज योर डेप्ट। और इक्विटी क्या है, शेयर होल्डर्स फंड, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, ये शेयर होल्डर्स फंड इज दिस। ठीक है सर, तो शेयर होल्डर्स फंड को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा क्या, 1.65। ठीक है, दिस इज योर डेप्ट इक्विटी रेशियो। अब ये डेप्ट इक्विटी रेशियो सिग्निफाई क्या करता है, 1.65, व्हाट डज दिस पर्टिकुलर फिगर सिग्निफाई। ये सिग्निफाई करता है कि इक्विटी अगर आपका 1 रुपए का है इक्विटी, तो हमारा डेप्ट 1.65 है, मतलब इक्विटी से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल का हम डेप्ट लेके चल रहे हैं, आउटसाइडर्स फंड लेके चल रहे हैं इन कंपैरिजन विद द ओनर्स इक्विटी या ओनर्स इन्वेस्टमेंट। ओके, आगे चलते हैं, और कुछ रेशियोज को लेके बात करेंगे। प्रोप्राइटरी रेशियो, बेटा फॉर्मूला क्या होता था, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। शेयर होल्डर्स फंड ऑलरेडी कैलकुलेटेड, टोटल एसेट में हम फिक्टिशियस एसेट को नहीं लेते हैं, बट यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट्स को लेके कुछ भी हमारे पास उतना ब्रीफ इंफॉर्मेशन नहीं है। सो वी हैव अज्यूम्ड कि ये जो टोटल एसेट है दिस इज एक्सक्लूसिव ऑफ एनी फिक्टिशियस एसेट्स। तो अगर हम बात करेंगे इस रेशियो का, प्रोप्राइटरी रेशियो का, तो हाउ गया ना कैलकुलेट, शेयर होल्डर्स फंड वी हैव और टोटल एसेट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, तो दिस इज द रेशियो ऑफ प्रोप्राइटरी और प्रोप्राइटरी रेशियो विथ रिलेशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ भारतीय एयरटेल, रिसेंटली अपडेटेड जो 1920 वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे। ओके सर, आगे चलते हैं, अब आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज को यहाँ पे बस कैलकुलेट करने के लिए लिया है, सो दैट टू मेक यू गाइज कंफर्टेबल विद द लाइव वर्कशॉप और लाइव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि अगर आपके आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया तो आपको कैसे डील करना है उसके साथ। ओके, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमारा फॉर्मूला क्या था, EBIT अपॉन इंटरेस्ट। ठीक है, सो अगर आप EBIT और इंटरेस्ट का बात करेंगे, तो हमने PL का जब एनालिसिस किया था वहां पे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। यहाँ पे देखिए, EBIT हमारे पास 92,447 का आया था, और फाइनेंस कॉस्ट इज नथिंग बट द इंटरेस्ट, डन। तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को यहाँ पे बात करोगे। EBIT इज 92,447 एंड 1,23,820 का हमारा इंटरेस्ट है,
सो आप अगर इसका कैलकुलेशन को देखेंगे 0.75 इज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो विच इज बैड. क्यों? ईबीआईटी है 92,447 का, इन कंपैरिजन विद द इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी बोर्न बाय द कंपनी इज 1,23,820 का. तो जितना इंटरेस्ट है वही कवर नहीं कर पा रहा है जो अर्निंग है बिफोर इंटरेस्ट. सो इट इज अ बैड साइन. बट येट अगेन आई लाइक टू स्टेट हियर दैट दिस इज नॉट फॉर प्रमोटिंग एनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी. हम जस्ट प्योरली एजुकेशनल पर्पज के लिए कर रहे हैं कि हमारा जो रेशियोज है उसको हम कैसे कैलकुलेट करें. दिस इज आवर मेन फोकस. ओके, सो हमने कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज को यहाँ पे कैलकुलेट करने का कोशिश किया विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट. तो इससे पहले हम पीएल भी कर लिए, बैलेंस शीट भी कर लिए. सो ये जो लाइव वर्कशॉप में हम करने वाले थे, एनालिसिस करने वाले थे, दिस वाज माय इंटेंशन कि आपको लाइव वर्कशॉप के थ्रू एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ एक गाइडेंस मिले जिससे आपका जो रेशियो एनालिसिस का जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो और एक लेवल पे जाए. सो दिस वाज माय इंटेंशन एंड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू डू दैट. और आपका जो इसमें पार्ट है वो क्या है कि आपको ये सारे वीडियोस, ये जो दोनों पार्ट में हमारा कवर किया हमने वर्कशॉप को, ये दोनों आपको कैसे लगे, डू शेयर योर फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शंस. और हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जो चैनल है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप अपना फीडबैक्स जो है वो शेयर कर सकते हैं. सो ये हमारा रेशियो एनालिसिस का 10th क्लास था. इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? रेशियो एनालिसिस में वर्कशॉप तक हो गया, हमने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पूरा कर लिया है. अब जो नेक्स्ट क्लास आएगा, एक और क्लास बस आएगा रेशियो एनालिसिस का, जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कुछ करेंगे, क्योंकि अभी तक कोई क्वेश्चंस नहीं किया हमने. जो एग्जाम में हमको आने वाला है उस तरह का क्वेश्चंस कुछ किया नहीं हमने, बस कंसेप्ट्स को बिल्डअप किया है. सो नेक्स्ट क्लास जो होगा हमारा वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस से रिलेटेड होगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें. और ये जो लास्ट वीडियो आने वाला है रेशियो एनालिसिस का, इमीडिएटली आफ्टर दैट वी विल बी स्टार्टिंग अ ब्रांड न्यू चैप्टर जो कि मोस्ट रिक्वेस्टेड फॉर है. आप लोगों का कमेंट्स एंड मैसेजेस जो टेक्स्ट आ रहे हैं आपसे कि कैपिटल बजटिंग को जल्दी से स्टार्ट करें, तो मेरा जो ये रेशियो एनालिसिस का एक और क्लास आने वाला है उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग आर कैपिटल बजटिंग का क्लास जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टेक्निकल भी है, फॉर्मूला बेस्ड भी है, बहुत कुछ उसमें है. सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट ओनली. सो टिल देन आपका काम है बढ़िया से पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, और आउटसाइड थिंकिंग से, आउटसाइड सिचुएशन से बचते रहें. स्टे एट होम्स, बी सेफ एंड स्टडी हार्ड. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू.